किरण से शादी के लिए आमिर ने चुकाए थे इतने करोड़, ऐसे हुआ था प्यार। आमिर खान की पत्नी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर किरण राव अपना 44वां जन्मदिन मना रही हैं। किरण को दिल चाहता है में पहली बार देखा गया था। इन दोनों की लव अफेयर का खबरें लगान के दौरान उड़ी थी। आमिर की तरह ही किरण भी काफी वर्सटाइल हैं। किरण कई फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुकी हैं। आइए जानते हैं किरण के बारे में कुछ ऐसी बातें जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। 2000 में फिल्म लगान पर हुई आमिर किरण की मुलाकात। आमिर और किरण की पहली मुलाकात साल 2000 में फिल्म लगान के सेट पर हुई थी। आमिर शादीशुदा थे लेकिन किरण पर उनका दिल आ गया था। इस फिल्म में किरण शामिल देसाई की असिस्टेंट थी। इस दौरान दोनों की मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। किरण को पाने के लिए चुकाई इतनी कीमत। आमिर पहले से शादीशुदा थे लेकिन किरण राव के चार्म में वो ऐसे गिरफ्तार हुए कि किरण के लिए वो अपनी बीवी को तलाक देने के लिए भी राजी हो गए। आमिर को रीना दत्ता को तकरीबन 50 करोड़ रुपए एलुमनी निर्वाह धन के तौर पर देने पड़े थे। आमिर और रीना का तलाक 2002 में हुआ था और इसे उस वक्त का सबसे महंगा तलाक माना गया। 10,000 रुपए सैलरी पर काम करती थी किरण। 2005 में आमिर ने किरण से शादी कर ली थी। फिल्म लगान में किरण को 10,000 रुपए सैलरी पर रखा गया था। लगान के अलावा किरण ने डेली बेली, दो बीघाट और पीपली लाइव जैसी फिल्मों का भी डायरेक्शन किया है। किरण काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, अपनी बात खुलकर रखती हैं।